आंसर। आई होप आप लोग भी इंस्टा चलाते हो। सारी सारी गलती हो गई, गलती हो गई। और मैं किससे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 100% चलाते ही हो। और गाइस अगर आप इंस्टा में एक्टिव रहते तो आपको पता ही होगा कि ये रील अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है रिसेंटली, और सभी का दिमाग हैंग करके रखा है कि आखिर ऐसा रील एडिट कैसे होता है। तो गाइस मैं हूँ ना, मैं बताने वाला हूँ कैसे एडिट करना है। आज की इस वीडियो में सारा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि कैसे आप एडिट कर सकते हो इस टाइप का रील अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल 2 मिनट में। तो चलिए सब कुछ बताने वाला हूँ और सारा सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आप और भी इस टाइप का रील्स एडिट कर सकते हो, बस इस वीडियो को देखना है। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, सिंपली कैप्चर को चलाना है। उसके लिए आपको वीपीएन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं वीपीएन को अभी ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने कैप्चर को ओपन कर लिया। अभी आपको सिंपली आना न्यू प्रोजेक्ट पर, देन आपको जिस भी वीडियो को एडिट करना है सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आपको। तो मैं कर लेता हूँ अभी, नेक्स्ट एंड ऐड पर क्लिक। तो मैंने यहाँ पर ऐड भी कर लिया वीडियो, कुछ ऐसा इसका प्रीव्यू देख लो गाइस। मैंने यहाँ पर कोई भी एडिटिंग अभी नहीं किया है, तो मुझे अभी एडिट करना है। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर वॉइस को ऐड करना, मतलब साउंड इफेक्ट को। तो सिंपली मुझे आना है एक्सट्रैक्टेड पर, देन आपको अपना वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना है, जिस भी वीडियो में बनाना चाहते हो, जिस भी ऑडियो में आप एडिट करना चाहते हो। तो मैं कर लेता हूँ अभी। तो मैंने ऑडियो यहाँ पर कर लिया। अभी मैं सिंपली अपने मेन ट्रैक का ऑडियो उसको करता हूँ कम। अब मैंने कर लिया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्ले करके एक बार। तो मैंने अच्छे से बिल्कुल मैनेज कर लिया और मैच करवा लिया वॉइस के साथ साथ अपना मूवमेंट। देन आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना, जितना भी आपको करना है उतना रख लेना है, देन क्रॉप कर लेना बाकी पार्ट्स। तो मैं कर लेता हूँ गाइस यहाँ पर। अभी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार प्ले करके, मेरा बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुका है एक्शन के साथ पूरा जो साउंड है वो। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर बीट मार्क्स लगाना है ताकि हम सारा इफेक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लगा सकें। अभी आपको सिंपली साउंड पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ आना बीट्स पर। देन गाइस यहाँ पर आपको एक एक करके डिटेक्ट करना है कि कहाँ है इसका बेस, कहाँ पड़ रहा है या फिर बीट कहाँ पड़ रहा है। तो यहीं पर आपको एक बीट मार्क ऐसे करके ऐड कर देना। तो मैं कर लेता हूँ माइक को यहाँ से निकाल के, क्योंकि मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं सिंपली करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने लगा लिया परफेक्टली बीट मार्क्स को भी। अभी यहाँ से डन कर लेना आपको। देन गाइस मैं दिखाता हूँ एक बार अभी आपको क्या करना है। तो फर्स्ट में हमको इफेक्ट यहाँ पर ऐड करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जहाँ बीट मार्क्स है वहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली अच्छे से बिल्कुल कर लेगा अट्रैक्ट। और यहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आपको सिंपली क्या करना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर आना है वीडियो इफेक्ट्स पर। अब यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है रिपीट सेक। तो गाइस यहाँ पर रिपीट सेक आ चुका है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, तो यहाँ पर आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है, देन यहाँ से एक बार कैंसिल करके आपको यहाँ पर डन कर लेना है। देन फिर से एडजस्ट पर आना है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिपीट सेक को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पहला ग्लो है यहाँ पर देख लो, तो ग्लो को हम कर थोड़ा ज़्यादा ही इंटेंसिटी कम करेंगे, इसका ब्लर थोड़ा सा कम करेंगे, एंड इसका रेंज कम करना आपको, और स्पीड को भी कम करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जो इसका ब्लर अमाउंट है बिल्कुल कम कर देना है, देन इसका रेंज थोड़ा सा बढ़ा लेना आपको। कुछ ऐसे करके आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर क्रॉप कर देना इतना। देन इसको आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और सारे बीट मार्क्स पर लगाते जाना है। तो मैंने सभी में लगा लिया। अभी आपको अच्छे से प्रीव्यू नहीं दिखेगा क्योंकि गाइस यहाँ पर लैग शुरू हो जाता है अगर आप इफेक्ट्स को ज़्यादा यूज करते हो कैप्चर में। तो बट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा सारा प्रीव्यू कैसा है। अभी कुछ ऐसा हो चुका है, अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अब आपको फिर से आना है वीडियो इफेक्ट्स पर, देन आपको सर्च करना वेव।
अभी आपको फर्स्ट में वेव दिख रहा है, उसको क्लिक करना है, देन यहाँ पर आप कैंसिल करके डन कर लेना है। और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको, क्या स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, इंटेंसिटी थोड़ा कम, ब्लर भी थोड़ा कम, एन यहाँ से आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, तो बीच में रखते हैं, तो कुछ ऐसे कर लेना आपको, देन यहाँ से डन कर लेते हैं फिर से। और इसको भी वही करना आपको, क्रॉप कर लेना इतना छोटा सा बिल्कुल, और कॉपी पेस्ट करके हर जगह लगा देना ऐसे करके फिर से। तो गाइस ये भी परफेक्टली लग चुका। अभी आपको क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। तो अभी आपको फिर से आना है वीडियो इफेक्ट्स पर, देने आपको हालो ब्लर सेलेक्ट करना है, देख लो यहाँ पर यहीं पर है, सेलेक्ट करके सिंपली आपको इसका इंटेंसिटी फुल कर देना है, देन छोड़ देना है। अब आपको फिर से आना है वीडियो इफेक्ट्स पर, देन आपको इस बार HDR इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। HDR यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर आपको HDR अप्लाई करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो, बट आप कर लो, इससे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी वीडियो लगता है जो कि अच्छा देखने में लगता है। तो इसको आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और अगर ख़राब लगे तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ से कुछ इसका साइज़ अमाउंट इंटेंसिटी सब कम ज़्यादा करके देख सकते हो आप, और अपने अकॉर्डिंग रख लो। तो मैंने रख लिया गाइस यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, कैसा रखना आपको अपना डिसाइड कर लेना है। अभी आपको सिंपली लास्ट स्टेप में आना है, फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वीट मार्क को, देन आपको यहाँ पर गैलरी पर आना है, ओवरले पर, देन ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। और मैंने एक PNG दिया गया, सिंपली आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और ऐसे ऐड कर लेना आपको, जो कि विगनेट PNG है। तो कुछ ऐसे करना आपको, देन इसका जो लेयर है थोड़ा सा आगे कर लेना आपको, ऐसे कुछ मैं दिखा रहा अभी, तो बीट मार्क के थोड़ा सा आगे कर लेना आपको, देन आपको यहाँ पर एक करना है डॉट, ऐसे लगाना है, मतलब इसके पहले एक डॉट लगाना है, और बीट मार्क में फिर से लगाना है एक डॉट, और इसको जूम कर देना है, देन फिर से बीच पे ले आना है, और इसको फिर से छोटा करना है, और फिर से बीट मार्क पर जूम कर देना है, कुछ ऐसे करके आपको हर बीट मार्क पर कर लेना है। तो कुछ ऐसे मैंने कर लिया। अभी सिंपली आपको यहाँ पर प्रीव्यू तो नहीं देख सकते आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लैग करेगा, मैं दिखाता हूँ अभी, देख लो गाइस इतना ज़्यादा लैग करने लगता है क्योंकि बहुत सारा इफेक्ट हमने यूज कर लिया। अभी आपको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, मैंने जितना किया है सब कुछ आपको परफेक्टली करना है, देन एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं अभी कर रहा हूँ, देन दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। कुछ ऐसा एडिटिंग का आउटपुट आपको मिलने वाला है। सो आई होप आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हो तो, और एक कमेंट भी करना, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी प्रॉब्लम वो भी कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उसको भी सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।